गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं कीर्ति परोहा, कक्षा 11वीं जीव विज्ञान की क्लास में आपका बहुत स्वागत करती हूँ। और बच्चों, आज हम आपके टेक्स्ट बुक में यूनिट नंबर 3 के पार्ट 1 जैव अणु के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर हल करेंगे, जिसमें बहुविकल्पी प्रश्न है। कार्बोहाइड्रेट्स का सामान्य सूत्र है। कार्बोहाइड्रेट का जब हम नाम करते हैं तो आपको सहसा ग्लूकोज का केमिकल फॉर्मूला याद आ जाता है, C6H12O6। तो यहाँ पर भी पूछा कि कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र क्या है, CXH2O इन्वर्टेड कॉमा में Y। दूसरा क्वेश्चन देखो, इंसुलिन है एक प्रोटीन हार्मोन। प्रोटीन में दो अमीनो अम्ल के बीच का बंध होता है, पेप्टाइड बॉन्ड। हमेशा प्रोटीन प्रोटीन से पा और पा से पेप्टाइड बॉन्ड आपको याद रखना। अल्फा हेलिक्स प्रदर्शित करती है प्रोटीन की द्वितीयक संरचना। क्वेश्चन नंबर 5 देखो बच्चों, डीएनए अणु में नहीं पाया जाता है आंसर यूरेसिल, बाकी के ये बेस डीएनए में पाए जाते हैं। अगर आप डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ना चाहते हैं या बहुत उसको डिटेल में समझना चाहते हैं तो आप 12th बायोलॉजी में स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए वाला जो वीडियो है उसको आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। न्यूक्लियोटाइड का एक अणु पेंटोस शर्करा नाइट्रोजनी क्षारक व डैश से मिलकर बनता है। तो यहाँ न्यूक्लियोटाइड टाइड शब्द आया, इसका मतलब है कि तीन चीजें इसमें कॉम्बिनेशन में है। तो उसमें से पहली हो गई पेंटोस शुगर, दूसरी नाइट्रोजनस क्षारक और तीसरा हो जाएगा फास्फोरिक अम्ल। तो न्यूक्लियोटाइड तीन से मिलके बनता है, पेंटोस शर्करा नाइट्रोजनी क्षारक और फास्फोरिक अम्ल। सेकंड नंबर का देखिए, मोम व कोलेस्ट्रॉल एक प्रकार के, तो ये लिपिड में आते हैं। जितने मोम वैक्स और कोलेस्ट्रॉल है वो सारे लिपिड या वसा के अंतर्गत आते हैं। थर्ड देखिए, ग्लाइसिन एक उदासीन अमीनो अम्ल है जबकि लाइसीन क्षारीय है। चौथा क्वेश्चन, सिस्टीन अमीनो अम्ल में सल्फर भी पाया जाता है। छठवा, हिस्टोन प्रमुख न्यूक्लियो प्रोटीन होती है। हिस्टोन प्रोटीन जो होती है वो मेन न्यूक्लियो प्रोटीन होती है जो कि डीएनए पैकेजिंग में काम करती है। छठवा देखो, आरएनए में थायमीन के स्थान पर यूरेसिल पाया जाता है। डीएनए में क्या पाया जाता है, एटीसीजी पाया जाता है, एडीनिन गुआनिन थायमीन साइटोसिन। तो यहाँ पे थायमीन की जगह आरएनए में यूरेसिल बेस पाया जाता है। नेक्स्ट देखते बच्चों, एक वाक्य शब्द में उत्तर। आरएनए व डीएनए की शर्कराओं के नाम लिखो। तो डीएनए की शर्करा है डीऑक्सीराइबोज और आरएनए की शर्करा राइबोज। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा देखो, एक अम्लीय व एक क्षारीय अमीनो अम्ल के नाम लिखो। तो अमीनो अम्ल अम्ली वाला कौन सा होगा, एसिडिक नेचर वाला ग्लूटामिक एसिड, और क्षारीय नेचर का होगा आर्जिनिन। किन्हीं दो संरचनात्मक प्रोटीन के नाम लिखिए। तो कोलेजन और केराटिन प्रोटीन जो होती है वो स्ट्रक्चरल प्रोटीन यूनिट कहलाती है। चौथा, प्रोटीन किस रूप में शरीर की रक्षा करने में मदद करता है। तो सबसे ज्यादा प्रोटीन जो होता है वो प्रतिरक्षी प्रोटीन, इम्यूनोलॉजिकल प्रोटीन, एंटीबॉडी या इम्यूनोग्लोबिन के रूप में काम करता है। डीएनए का द्विकुंडली मॉडल किसने प्रतिपादित किया, आप सबको बहुत अच्छे से पता है, वॉटसन व क्रिक ने। सबसे मीठी शर्करा का नाम लिखिए, आंसर फ्रक्टोज। सही जोड़ी बनाइए, ये आता है 5 नंबर के क्वेश्चंस में बच्चों। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट में देखें तो राइबोस का इससे मैच हो रहा है 5 कार्बन अणु। 5 कार्बन अणु मिलके राइबोस शुगर का स्ट्रक्चर बनाते हैं। दूसरा है हीमोग्लोबिन, तो ये कैसा प्रोटीन है, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है। इसमें हीम और ग्लोबुलिन प्रोटीन साथ में मिक्स रहता है, तो ये कैसा है, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है। तीसरा है ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन क्या है, एक पॉलीसेकेराइड है। चौथा आया एडिनिन, एडिनिन क्या है, प्यूरीन बेस कहलाता है। पांचवा लैक्टोज, जो क्या है, डाइसेकेराइड शुगर है।
पॉलीसेकेराइड, डाइसेकेराइड, मोनोसेकेराइड ये शुगर जो शर्करा है उसके प्रकार हैं। अब हम करते हैं ट्रू और फॉल्स क्वेश्चंस। तो पहला देखें, न्यूक्लियोसाइड अणु एक पेंटोज शर्करा व नाइट्रोजनी क्षारक से मिलकर बना होता है। अब देखिए, हमने इसके पहले पढ़ा था न्यूक्लियोटाइड, अब यहाँ पढ़ रहे न्यूक्लियोसाइड। साइड आता है तो यहाँ पर दो चीजें होना जरूरी है, तो एक हो गया पेंटोज शर्करा और दूसरा होगा नाइट्रोजनी क्षारक। तो ये क्या हो गया, ये कथन सत्य है। अगर यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड आता तो ये कथन कैसा हो जाता, असत्य हो जाता। दूसरा देखो, कोशिका के लघु अणु दीर्घ अणुओं से कम महत्वपूर्ण होते हैं, मतलब जो छोटे अणु हैं वो बड़े अणुओं से कम इम्पॉर्टेंट है, तो ये शब्द कथन कैसा है, असत्य। सभी अणु उतने ही इम्पॉर्टेंट हैं, चाहे वो छोटे हों या दीर्घ। सभी कोशिकीय जीवों में डीएनए की अनुवांशिक, डीएनए जो है वो अनुवांशिक पदार्थ के रूप में कार्य करता है, सत्य। मंड एक संग्रही पॉलीसेकेराइड है जबकि सेलुलोज संरचनात्मक पॉलीसेकेराइड, सत्य। मंड जो है स्टार्च क्या है, उसको प्लांट्स उसको स्टोर करके रखते हैं, जबकि जो सेल्युलोज है वो कोशिका भित्ति के उसमें पाया जाता है, इसलिए वो संरचनात्मक पॉलीसेकेराइड है। अमीनो अम्लों में COOH समूह नहीं पाया जाता, असत्य। जो भी अम्ल कैटेगरी उसमें COOH समूह पाया जाता है। अब चलते हैं अति लघुत्तरी प्रश्नों की तरफ। क्वेश्चन अब देख रहे हैं बच्चों, अति लघुत्तरी प्रश्न, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। अब इसमें देखें, कोशिकीय पुल से आपका क्या अभिप्राय है। पुल यानी आप क्या, पुल की जनरली कल्पना करते हैं कि कोई लिक्विड बहुत बड़े रूप में और उसमें डिफरेंट टाइप की चीजें हों, है ना। तो यहाँ पर कोशिकीय पुल से मतलब है कि कोशिका में विभिन्न प्रकार के अणु सामूहिक रूप से कोशिकीय पुल का निर्माण करते हैं। अब ये अणु कौन कौन से हो सकते हैं, जल, अकार्बनिक पदार्थ जैसे लवण, खनिज, आयन, ठीक है। फिर कार्बनिक पदार्थ जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, अमीनो अम्ल, नाभिकीय अम्ल, विटामिन्स आदि का बना होता है। सिंपल सी बात है, एक कोशिका के अंदर उसके जो साइटोप्लाज्म रहता है उसमें बहुत सारी चीजें हैं, जैसे जल भी है, अकार्बनिक पदार्थ भी हैं, और अकार्बनिक पदार्थ के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, लवण है, खनिज है, आयन है, और ऑर्गेनिक मटेरियल्स में क्या क्या आएंगे, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, अमीनो अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल और विटामिन आदि पाए जाते हैं। तो ये कोशिकीय पुल से संबंध, ये डायग्राम आप याद करोगे फिर आप ये याद कर लेना कि प्लाज्मा में इस प्रकार की सारी चीजें मौजूद हैं। निम्न रासायनिक बंधों के नाम लिखिए। दो मोनोसेकेराइड अणुओं के बीच का बंध क्या कहलाएगा, ग्लाइकोसाइडिक बंध। एक डाइपेप्टाइड में दो अमीनो अम्लों के बीच का बंध, पेप्टाइड। एक ध्रुवीय विलेय पदार्थ का जल के अणुओं के साथ बना बंध, सिंपल सी बात है, जल के साथ बना तो हाइड्रोजन बंध। चौथा देखो, दो न्यूक्लियोटाइड्स के बीच का बंध, फास्फोडाइएस्टर बंध। ये सारे बंध के नाम आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। नेक्स्ट देखो, किसी मोनोसैकेराइड के दो प्रमुख रासायनिक गुण लिखिए। मोनोसैकेराइड सिंपल सुगर, ये क्या है, मुक्त एल्डिहाइड या कीटोन धारक शर्कराएं Cu++ आयन को Cu+ में अवकृत कर देती है। यह गुण बेनेडिक्ट या फेहलिंग परीक्षण का आधार है। शर्करा का मुक्त एल्डिहाइड या कीटोन समूह किसी अन्य कार्बनिक अणु एल्कोहलिक समूह के साथ ग्लाइकोसिडिक बंध बनाता है। पहला तो मोनोसेक्राइड का लक्षण क्या है, बेनेडिक्ट या फेहलिंग टेस्ट करता है, और दूसरा ग्लाइकोसिडिक बंध की प्राप्ति। चौथा क्वेश्चन देखो, मोम किस प्रकार का पदार्थ है, जीवों में इसके दो उपयोग लिखिए। मोम या वैक्स एक प्रकार के लिपिड है जो लंबी श्रृंखला वाले वसी अम्ल वह लंबी श्रृंखला वाले अल्कोहल के संयोग से बनते हैं। अब इसके उपयोग क्या है, पहला यह जीवों की त्वचा पर सुरक्षात्मक आवरण बनाता है। दूसरा, यह जंतुओं की त्वचा तथा पौधों में तनों, पत्तियों व फलों पर कैसी परत बनाता है, जलरोधी, जिसके अंदर जल प्रवेश नहीं कर पाता। तो ये इसके मोम के इम्पोर्टेंट फीचर हैं। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम लघुत्तरी प्रश्न डिस्कस करेंगे। थैंक यू बच्चों।